हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बेलवा एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम फिर से चालू करेंगे अपने अगले वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्लास 12 का ये टॉपिक है और जितने भी वीडियो बने हैं, 3 अभी तक वीडियो हो चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का भी ये वीडियो रहने वाला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के नियम को शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लें कि टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन। टाइम इन समय, प्लेस में स्थान में होने वाले परिवर्तन। यानी जैसे कुछ शब्द होते हैं जिसका दिस का डैट करते हैं, कम का गो करते हैं, तो वही हम लोग ये लिख लेंगे। अच्छा, ये परिवर्तन कब करते हैं? हेडिंग पढ़ गई, लिखो। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड क्लास में दिए गए टाइम और प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों में, टाइम और प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों में निम्न प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। एक बार फिर से सुनो। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड क्लास में दिए गए टाइम और प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन करते हैं। असल में ये जो लैंग्वेज लिखाई है, इसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि जैसे कोई लिखा है सेंटेंस, ए सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम Going today. देखो, नियम जो लिखवाया वो ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट टेंस में होने पर, यही तो बात कही गई है। क्या कहा गया, लाइन टू लाइन देख लो। बात ये कही गई है कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड क्लास में दिए गए टाइम और प्लेस को दर्शाने वाले शब्द। अब देखो, ये जो टुडे है ये क्या दर्शा रहा है? टुडे मीन्स आज, आज यानी ये एक समय को दर्शा रहा है, ठीक है। तो टाइम और प्लेस को दर्शाने वाला अगर कोई भी शब्द है तो उसमें बदलाव करते हैं। कैसे करते हैं? टुडे को काहे में बदलेंगे? हाँ, तो इसी तरह कोई शब्द हैं उनको तुम लिख लो, उनकी सूची, ठीक है। जैसे कि अगर दिस दिखता है तो वो चला जाएगा दैट में, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, ठीक है। हेयर, हेयर मीन्स यहाँ, ये बदल जाता है देयर, देयर मीन्स वहाँ। इसके अलावा एगो, एगो मीन्स क्या होता है बताओ? एगो मीन्स पता है, पहले होता है। या फिर इसको आप बदल सकते हैं अर्लियर में भी, कम। देखो, जिसकी अगर हिंदी ना पता हो लिख लेना, एगो मीन्स पहले, हाँ सब लिख लेना। उसके बाद क्या आता है? कम का गो, दिख नहीं रहा? चलो देखो इधर, कम का क्या होता है? गो, कम मीन्स आना और गो मीन्स जाना। टुमारो का क्या होगा? द नेक्स्ट डे, डी ए वाई। टुमारो मीन्स आने वाला कल, द नेक्स्ट डे मीन्स आने वाला कल, ठीक है। उसके बाद है टुनाइट, टुनाइट मीन्स आज की रात, दैट नाइट, दैट नाइट मीन्स उस रात। इसको नोट करो, फिर आगे मिटा के लिखते हैं। नोट हो गया, चलो लिखो आगे, लिखो। लास्ट वीक,
देखो जहाँ भी लास्ट तुमको दिखेगा वहाँ पे द प्रीवियस लगाना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये काहे में चला जाएगा? द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट हमेशा बदलता है द फॉलोइंग में। फॉलोइंग वीक, हाँ ये लाइन हो गई, एक छूट गया है। हिदर, हिदर मीन्स बताओ क्या होता है? हिदर मीन्स होता है इस ओर। ये काहे में बदलेगा? थिदर, इस ओर, इस ओर या इस पार। उस पार, दीज, THESE, दीज मीन्स क्या होता है? ये काहे में बदलेगा? दोस में, दोस। नाउ, नाउ मीन्स क्या होता है? अब, और देन, देन मीन्स तब। ये नोट कर लेना जो अगर हिंदी ना पता हो, बुक में नहीं है। नोट हो गया, मिटा रहे ऊपर। दिस, दोस, नाउ, देन, क्या कोई मिस हो गया? चलो ठीक है। दस आगे है, दस, दस मिस क्या होता है? दस मीन्स होता है इसलिए या अतः। दस को हम बदल देते हैं सो में या फिर इन दैट वे। इन दस मीन्स या तो अतः लिख लो या इसलिए, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। लिख लो दस मीन्स इसलिए लिख लो। हेंस, हेंस मीन्स अतः, और ये काहे में बदल जाएगा? थैंक्स, हेंस बदल गया थैंक्स में। टुडे, दैट डे, यस्टरडे, YESPERDAY, हेंस मिस होता है अता, थैंक्स मिस भी अता होगा। यस्टरडे मीन्स क्या होता है? बताओ, कल कौन सा? आने वाला, बीता हुआ। तो ये काहे में बदलेगा? द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे मीन्स भी होता है बीता हुआ कल। PREVIOUSDAY, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट में जुड़ता है, लास्ट कहाँ में बदलता है? द प्रीवियस में ना, द PREVIOUS नाइट। उसके बाद है लास्ट, बचा है लास्ट मंथ, लास्ट, लास्ट मंथ, तो द प्रीवियस मंथ। ये तुम्हारे जो वर्ड थे बदल रहे थे उनको हमने लिखवा दिया है, इसको नोट करो। नोट हो गए हैं। चलो अब देखो, ये जो हमने शब्द लिखवाए हैं इसी के आधार पर कुछ एक दो रूल हैं, उनको स्टार बना के लिख लो। स्टार बनाओ और पहला लिखो, लिखो कम के बाद, COME, कम के बाद अगर कोई समीपता दर्शाने वाला शब्द आया है, अगर कोई
समीपता मीन्स क्या होता है, नज़दीक। समीपता दर्शाने वाला कोई शब्द आया है तो कम को गो में नहीं बदलेंगे। उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द हॉकर, हॉकर इज कमिंग, हॉकर इज कमिंग हेयर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। देखो नियम ये कहता है, नोट हो गया। देखो नियम यह कहता है, अगर कम के बाद कोई समीपता दर्शाने वाला शब्द प्रयुक्त होता है, यानी कम के बाद अगर कोई समीपता दर्शाने वाला शब्द आता है, देखो ये कम है, कम के तुरंत बाद में देखना है हमको, कम के तुरंत बाद में हमें देखना है यहाँ पे जो शब्द होगा अगर वो समीपता दर्शा रहा है, जैसे हेयर, हेयर मीन्स क्या होता है, यहाँ यहाँ यानी कुछ समीपता पास में बता रहा है चीज़, या अगर हेयर की जगह दिस हो गया, ठीक है, दिस मीन्स यह, ठीक है, या अगर कुछ भी ऐसा शब्द आता है जो बिल्कुल समीपता बता रहा है, कुछ नज़दीकी चीज़ बता रहा है, तो वहाँ पे हम कम को गो में नहीं बदलेंगे। तो देखो द हॉकर इज कमिंग हेयर, इसका अर्थ क्या है, शी सेड टू हिम, उसने मुझसे कहा द हॉकर इज कमिंग हेयर, कि हॉकर, हॉकर तो पता ही है, हॉकर मेरे पास आ रहा है, इज कमिंग हेयर मेरे पास आ रहा है। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो शी सेड टू की जगह पे टोल्ड हिम, कॉमा हटाओ, दैट The hawker, अब इसके जगह पे क्या लिखें, was, क्योंकि present continuous हमेशा बदलता है past continuous में, was coming here का क्या हो जाएगा, there coming, लिखा तो सही, She told him that the hawker was coming there. ये बन गया, नोट हो गया। चलो रोल नंबर दो लिखो, स्टार बना के लिखो, यदि this comma now, लिखो यदि this comma now comma here, ये जो तीन शब्द हैं लिखा, यदि दिस कॉमा नाउ कॉमा हेयर किसी ऐसी वस्तु, क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या, चलो ठीक है, कॉमा समय कॉमा स्थान की ओर इशारा करते हैं जो की ओर इशारा करते हैं जो, इशारा में संकेत, जो सब्जेक्ट के सामने हो, सब्जेक्ट यानी स्पीकर जो बोल रहा है, ठीक, सामने हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सुन लो, यदि दिस कॉमा नाउ तथा हेयर किसी ऐसी वस्तु कॉमा समय तथा स्थान की ओर इशारा करते हैं जो, करते हैं जो बात करते समय स्पीकर या सब्जेक्ट के सामने हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो ये जो तीन शब्द लिखवाए हैं, दिस का डेट हो जाता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो दिस का डेट नहीं होगा, ना ही नाउ का देन होगा, ना ही हेयर का देयर होगा। तो उदाहरण के लिए देखो, ही सेड दिस इज माई स्कूल, This is my
तो ये कैसे बनेगा, बनाओ। देखो, ही सेड ए दैट। अब देखो, उसने कहा, क्या कहा? दिस इज़ माई स्कूल। अभी तुम हो, तुम्हारे साथ कोई गया है, मतलब स्कूल से तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे साथ स्कूल के सामने से निकला या वहीं पे खड़ा है। तुमने से कहा कि ये मेरा स्कूल है, उसको दिखाया, तो स्कूल तुम्हारे सामने है ना बिल्कुल, क्योंकि स्कूल बिल्कुल सामने है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहेगी, दिस इज़ माई स्कूल, या मेरा स्कूल है। तो इशारा तुमने दिस यहाँ पे यूज़ किया है, इशारा दिखा रहे हो सामने है स्कूल बिल्कुल, तो इसलिए दिस का हम लोग दैट नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे दिस का दिस ही लिखा रहेगा, दिस। लेकिन ये इस काहे में जाएगा, वॉज, दिस वॉज। अब ये माई, माई किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है, ही का पसेसिव क्या होता है? हिज, हिज और स्कूल। दिस वॉज हिज स्कूल। बस ये दो ही नियम थे, जो ये जो शब्द हैं इनके अपवाद समझ सकते हैं आप, कि अपवाद के रूप में थे, कहाँ पे ये शब्द नहीं बदले जाते हैं। नोट हो गया, मिटा रहे। चलो अब एक दो सेंटेंस हम देते हैं तो तुमको बना के दिखाने, और ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में बना के भेजेंगे। चलो देखो, पहला बनाओ। सारे रूल्स जो पढ़े हैं उसी में से होंगे। ही सेड टू मी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, ही सेड टू मी आई हैव बीन प्लेइंग हेयर। For 3 hours, बनाइए इसको। For 3 hours, he said to me, उसने मुझसे कहा, I have been playing here, मैं यहाँ खेल रहा हूँ, for 3 hours, 3 घंटे से। इसका बनाओ indirect speech, बनाओ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बनाए, कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर इसका। और जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर हैं, वो पीछे के जितने भी तीन से जो तीन वीडियो हुए हैं, 3 पार्ट उसके बने हैं, तो वो देख लेंगे ज़रूर, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आसानी के साथ ये बन सके। बन गया? चलो देखो, बन जाए तो मैच करो। हम लिख रहे हैं जी। रोल्स नहीं देखो पीछे, हाँ तो उसमें देखो, अपने आप बनाना है ना, बोला था रिवीजन करके आओ। बन गया सर। चलो देखो कैसे बनेगा, अगर गलत हो तो बताओ। सबसे पहले इधर देखो, बाद में ही सब्जेक्ट है, ही लिख दिया, सेड टू का टोल्ड कर दिया, मी का मी, अब कॉमा हटाया, डैट लगाया, आई, आई क्या है सब, इसके किसके अनुसार बदलेगा? प्रोनाउन, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है? ही है, तो प्रोनाउन यहाँ पे ही यूज़ होगा। अब हैव बीन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, यहाँ पे टाइम भी दिया है फॉर 3 आवर्स, तो ये काहे में बदलता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैड बीन, उसके बाद प्लेइंग हेयर का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, फॉर 3 आवर्स। He told me that he had been playing there for 3 hours. ये हो गया। किसका गलत है, किसका सही? क्यों लिखा? क्योंकि वर्ड बदलते हैं ना। चलो एक और लिखो।
ये बिल्कुल सही बने हैं। मेरा सही बना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंडिंग टूवर्ड्स द सन। He said to me, उसने मुझसे कहा द अर्थ इज राउंडिंग के पृथ्वी चारों ओर घूम रही है टूवर्ड्स द सन सूरज के। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। पढ़ा है भूगोल में? जी। बनाओ। क्या बनाया बताओ? और टेंस में बदलाव नहीं किया? वाज। क्या बनाया फिर से बताओ? हाँ। लिखा क्या है? लिखा है, लिखा है। वाज। सही करो फिर। चलो देखो। ही सेड टू मी तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे जब हटाएंगे डायरेक्ट कंजक्शन आएगा। फिर द अर्थ द अर्थ तुमने क्या बनाया? टोल्ड मी दैट द अर्थ वाज राउंडिंग टूवर्ड्स द अर्थ इज राउंडिंग towards the sun। ठीक है कि उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो सर ये किस अर्थ की बात की? अच्छा यहाँ इज हो गया है। तो इज इसलिए हुआ है क्योंकि ये यूनिवर्सल सत्य है, यूनिवर्सल तत्व है। देखो ऐसा तो है नहीं, सूरज पूरब से निकलता है तो वो हमेशा पूरब से ही निकलेगा। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना, तो चारों ओर पृथ्वी सूर्य के घूमती रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य से हट के कहीं और चली गई। पृथ्वी का मन नहीं है ना कि आज घूमे कल हम कहीं और घूमेंगे। जैसे तुम्हारी दिल्ली घूमी कल लखनऊ घूम सकती हो, यह तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। लेकिन ये आपका बिल्कुल सत्य है, यूनिवर्सल तत्व है। ठीक है कि अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो आज भी घूमेगी, कल भी घूमेगी, आने वाली पीढ़ियां जनरेशन है उसमें भी घूमेगी। तो इसलिए हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे टेंस में। तो तुम लोगों ने वाज लगाया था। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो ये कहाँ में बता? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे मिस्टेक तुम लोग करोगे ऐसा बोर्ड में मिस्टेक हो सकती है ना। तो बहुत ही पहले सेंस समझा करो क्या कहा गया है इसमें, क्या यूनिवर्सल तत्व है या ऐतिहासिक कोई तथ्य तो नहीं है, बदलना है कि नहीं बदलना है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो आज हो गया है टाइम समाप्त। सो जो कल होने वाला वीडियो उसमें भी कुछ नियम पढ़ेंगे। और इसके साथ ये जो श्रृंखला चल रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की, आज ये चौथा पार्ट है इसका। सो आपको सभी वीडियो देखने हैं, कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है, ताकि जो भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से समाप्त हो जाए और कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए बिलवा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।